भारत पाकिस्तान मैच में बारिश बनी विलेन, दूसरी पारी नहीं हुई शुरू। लगातार बारिश ने फैंस को किया निराश। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2023 का तीसरा मुकाबला बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ बारिश से प्रभावित एशिया कप मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की सत्य के साझेदार की बदौलत 48.5 ओवरों में सभी विकेट खोकर 266 रन बनाई। भारत की पारी के खत्म होने के तुरंत बाद बारिश ने दस्तक दे दी, जिसके कारण मैच शुरू नहीं हो सका। एम्पायर ने 9 बजे ग्राउंड का निरीक्षण करने के बाद पाकिस्तान को संशोधित टारगेट मिला, लेकिन बारिश के कारण मैच शुरू नहीं हो पाया, जिसके बाद एम्पायर ने मैच को रद्द करने का फैसला किया। इससे पहले भारत की पारी के दौरान बारिश के कारण 2 बार रुकावट आई, जिसके कारण भारत को नुकसान हुआ और पाकिस्तान विकेट लेने में कामयाब रहा। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को कप्तान रोहित शर्मा के रूप में पहला झटका लगा। शाहीन अफरीदी ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। रोहित शर्मा 22 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद विराट कोहली भी ज्यादा देर तक क्रीज पर न टिक सके और 7 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हुए। करीब 5 महीने के बाद वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर अचिल्ले में नजर आए, लेकिन 9 गेंद में 14 रन ही बना सके। शुभमन गिल ने 10 रन बनाए। इसके बाद ईशान किशन और हार्दिक पांडे के बीच 5वें विकेट के लिए 141 गेंदों में 138 रनों की शतकीय साझेदारी हुई। ईशान किशन ने 81 गेंदों में 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से 82 रन बनाए। वहीं हार्दिक पांड्या 90 गेंद में 87 रन बनाकर आउट हुए। इन दोनों के अलावा भारत का कोई बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा नहीं छू सका। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने 4, हारिस रोप और नसीम शाह ने 3-3 विकेट लिए और इस तरह भारतीय टीम 266 रन पर ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान को 260 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन बारिश की वजह से यह मैच न हो सका और रद्द हो गया। और दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2023 का मुकाबला बारिश की वजह से रद्द होने के बाद मैच पूरा नहीं होने के कारण भारत और पाकिस्तान को 1-1 अंक मिले हैं, जिससे पाकिस्तान की टीम ने क्वालिफाई कर लिया है। और भारत अगर नेपाल के खिलाफ जीत जाती है तो वह भी क्वालिफाई कर लेगी।